अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद मुश्ताक आप हज़रात की खिदमत में आज फिर से हाजिर है एक ऐसा देसी नुस्खा लेकर उन हज़रात के लिए कि जो बच्चों का दिमाग ठीक से चलता नहीं है, काम नहीं कर पाता है और इसके अलावा उनकी याददाश्त कम हो जाती है। अभी याददाश्त की कमी की बहुत सारी ऐसी बीमारी आम हो चुकी है जिसकी वजह से किसी भी चीज़ को हम भूल जाते हैं, और जो मदरसा पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं बच्चियां हैं उनकी याददाश्त की कमी है और ठीक से उनका दिमाग जो है तो टैलेंट नहीं होता हो पाता है। और जिन हजरात को अगरचे नींद कम आती है उनके लिए भी ये फार्मूला बहुत मुफीद है। तो इसमें आपको नाज़िन तीन चीज़ें लेनी है, वो तीन चीज़ें कौन सी है वो अज्जा इंशाल्लाह मैं आपको स्किन पर लगा के भी बता दूँगा और समझा भी दूँगा इंशाल्लाह। इस तरफ बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है नाज़िन के वीडियो लास्ट तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें और कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कितने परसेंट फ़ायदा मिला। और इसी के साथ साथ अगर छे आप हमारे यूट्यूब चैनल मोहम्मदी जड़ी बूटी सेंटर पर नवे हैं तो फ़ौरन उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं नाज़िन, आपको लेना है 25 ग्राम अच्छी क्वालिटी की सौंफ लेना है, ये जो हमारे किचन में अवेलेबल मौजूद रहती है, ना हो तो आप बुला सकते हैं दुकान से, कोई मसला नहीं। 50 ग्राम सौंफ ले लें और 50 ग्राम आपको भुने हुए चने, जिसको आम जुबान में फुटाने भी कहते हैं, उसका छिलका अलग कर लें, अब ये सौंफ में मिला लें। और आपको 25 ग्राम लेना है बादाम बीज, ये भी इसके अंदर मिला लें और इसका पाउडर बना लें। अब ग्राइंडर की मदद से जो इसका पाउडर बना लेंगे तो इसका एक सुफूफ तैयार हो जाएगा जिसको पाउडर कहते हैं। पाउडर फॉर्म में जब ये पूरा मटेरियल आ जाता है तो इसको एक जार में या डिब्बे में आप रख लें। अब चलते हैं तरीक़े इस्तेमाल की तरफ कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है। तो रोज़ाना सुबह शाम आपको एक चम्मच नीम गर्म दूध के साथ में भी आप ले सकते हैं। दूध अवेलेबल आपके पास में नहीं है तो पानी से भी आप ले सकते हैं। कंटिन्यू इसको 40 दिन इस्तेमाल करें और फिर देखिए इसका असर इंशाल्लाह, आपका दिमाग तेज़ी से काम करेगा, कंप्यूटर की तरह आपका दिमाग इंशाल्लाह हो जाएगा। और इसके अलावा अगरचे जिन हजरात को ज़्यादा मानसिक तनाव की वजह से नींद नहीं आती है, टेंशन में रहते हैं, बच्चे भी टेंशन में रहते हैं पढ़ाई लिखाई के एतबार से, तो ऐसे हजरात को नींद में भी ये फ़ायदा देगा। तो इस तरतीब से बनाइए और इस्तेमाल कीजिए और बहुत सस्ता और आसान है। इसको आसान और सस्ता समझ के नज़रअंदाज ना कीजिएगा, बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही आजमोदा ये पाउडर जो बनाएंगे आप, बहुत ही आजमोदा नुस्खा है। फिर दूसरी वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे एक नए फार्मूले के साथ, नए नुस्खे के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।